आज हम बनाने वाले हैं शकरकंद की मिठाई। उसके लिए हमने शकरकंद लिए हैं, उनको हमने अच्छी तरीके से छील लिया है। इस टाइप से देख सकते हैं आप। छीलने के बाद अब हम इन शकरकंद को इस तरीके से बारीक कट कर लेंगे। आप जिस शेप में भी चाहे उस शेप में कट कर सकते हैं। सारे शकरकंद को हम इसी टाइप से कट कर लेंगे। सारे कन को हमने काट लिए हैं और अब हम इसे कुकर में रखेंगे। कुकर में हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हम कन डालेंगे इसमें। कन कुकर में डालने के बाद अब हम ऊपर से इसमें घी डालेंगे। हमने 4 स्पून घी डाला है और हम फ्लेम को लो रखेंगे। और इस तरीके से इनको मिक्स करेंगे। घी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर यहाँ आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको जितना मीठा चाहिए। यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच शक्कर ले रहे हैं। और शक्कर को भी इसी तरह से मिक्स करेंगे। शक्कर मिक्स करने के बाद हम ढक्कन को लगाएंगे नहीं, सिर्फ ऊपर इस तरीके से रखेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है। कंद को हमें हर 10 मिनट में अच्छी तरह से हिलाते रहना है। चम्मच से नहीं हिलाना है, चम्मच से हिलाने पर कंद जो है वो टूट जाएंगे। अगर आपको चम्मच से ही हिलाना है तो आप चम्मच से हिला सकते हैं, लेकिन इस तरह से हिलाएंगे तो कंद टूटेंगे नहीं। और हर 10 मिनट में आपको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद फिर से हमें कुकर के ढक्कन को इस तरह से रख देना है और फिर 10 मिनट के बाद हमें इसे मिक्स करना है। गैस की फ्लेम लो ही रहेगी। ऐसा हमें लगभग 30 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। 30 मिनट तक लो फ्लेम पर ही इन्हें पकने देना है और हर 10 मिनट में हमें इसे मिक्स करते रहना है। लगभग 30 से 35 मिनट तक हमने शकरकंद को पकाया है और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे शकरकंद जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। इन्हें चेक करने का एक तरीका है, आप इसे आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप कोई सा भी चम्मच या कांटे का यूज़ करें और ऐसा उसमें अंदर डाल के देखें। अगर अच्छे से हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शकरकंद जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। ये हमारे शकरकंद बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।